हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले कि व्हाट इज मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग क्या होती है, किस तरह से की जाती है, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले। ये वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता। और चलिए देखते कि मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मल्टीटास्किंग इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क और प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। तो देखिए, मल्टीटास्किंग का अगर सिंपली हम देखें तो आप जो एक कंप्यूटर चलाते, देखिए कंप्यूटर, मान लो एक कंप्यूटर है, तो आप क्या करते हो, मान लो यहाँ पे आप जो म्यूजिक सुन रहे हो, देखिए यहाँ पे एक म्यूजिक है, यहाँ पे एक बटन्स वगैरह जो है, ये म्यूजिक है, आपने म्यूजिक सुन रहे हो। और साथ ही में आप जो दूसरे एप्लीकेशन ओपन करें, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है और यहाँ पे आप जो कोई भी काम कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे लिख रहे हो। तो देखिए, ये जो दो काम एक साथ चल रहे, इसे ही हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि हम दो मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि एक ही वक्त पे आप जो म्यूजिक भी सुन रहे हो और यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी बना रहे हो। तो ये मल्टीटास्किंग होती है, जहाँ पे आप जो है एक ही टाइम पे जो है अलग अलग काम कर सकते हैं, दो से ज्यादा भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे जो आप कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, ये सारे काम जो होते हैं तो ये मल्टीटास्किंग का पार्ट होता है, जहाँ पे ये मल्टीटास्किंग कर रहे हो। उसमें दो मेन टाइप्स है मल्टीटास्किंग में, तो एक होता है प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग, उसके बाद कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। तो इसमें अलग अलग होते हैं, तो आप इस वीडियो में नहीं देखने वाले, इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि एक ही टाइम पे आप अलग अलग, जैसे कि आप ईमेल का काम कर रहे हो, डॉक्यूमेंट का काम कर रहे हो, कैलकुलेटर ओपन है या फिर अलार्म लगा रहे हो, तो ये जो मल्टीटास्किंग के काम है आप यहाँ पे एक ही टाइम पे कर रहे हो, तो इसे ही हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। और इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।